आज दिनांक 5 सितंबर 2020 को बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज की वायरोलॉजी लैब एवं कुछ अन्य लैबों से जो अभी तक रिपोर्ट प्राप्त हुई है, इसमें सागर से 18 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। 3 लोग और भी हैं आज लिस्ट में, लेकिन कल देर रात के ये हैं, तो इनको अपन कल इनके डिटेल्स कल ही दे चुके हैं। आज के जो डिटेल रह गए हैं वो इस प्रकार हैं। पहले जो हैं 51 वर्षीय पुरुष हैं, ये दीनदयाल नगर सागर से हैं। दूसरे भी 46 वर्षीय महिला हैं, दीनदयाल नगर सागर से। तीसरे जो हैं 40 वर्षीय पुरुष, ये टैगोर वार्ड खुरई से हैं। चौथे जो हैं ये 49 वर्षीय पुरुष, ये सूबेदार वार्ड से हैं। पांचवे 52 वर्षीय पुरुष, रेलवे कॉलोनी बीना से। छठवें जो हैं 32 वर्षीय पुरुष, शास्त्री वार्ड देवरी से। सातवें एवं आठवें 37 वर्षीय पुरुष और 18 वर्षीय पुरुष शाहगढ़ से। नौवें जो हैं 60 वर्षीय पुरुष, ये न्यू ऑफिशियल कॉलोनी सागर से। दसवें जो हैं ये 25 वर्षीय पुरुष, जवाहर वार्ड देवरी से। ग्यारहवें 12वें 56 वर्षीय पुरुष एवं 50 वर्षीय महिला, ढाना सागर से। 13वें एवं 14वें जो हैं 21 वर्षीय पुरुष हैं दोनों, और MRC कैंट से हैं, सेना अस्पताल में इलाज चल रहा है इनका। 15वें जो हैं 50 वर्षीय महिला, ये बड़कुआ बहेरिया सागर से। और 16वें जो हैं 37 वर्षीय पुरुष, सदर ये बाजार वार्ड गढ़ाकोटा से। 17वें जो हैं ये 20 वर्षीय युवती हैं, जगदीश वार्ड गढ़ाकोटा से हैं ये भी। और आखिर में 18वें जो हैं 40 वर्षीय पुरुष, ये शाहगढ़ से हैं। तो 18 लोग आज पॉजिटिव आए हैं। इसके अलावा अच्छी खबर ये है कि 6 लोग जिनका इलाज चल रहा था, ये पूरी तरह स्वस्थ होकर इनको आज डिस्चार्ज कर दिया गया है। और वहीं एक तरफ 2 लोग जो कोरोना की लड़ाई लड़ रहे थे पिछले 2-3 दिन से, एक है, दोनों वृद्ध हैं, जिसमें से एक जो वृद्ध हैं इनकी कल ही रिपोर्ट आई थी, और दूसरे जो हैं इनकी परसों आई थी, तो इन दोनों की आज मृत्यु हो गई है। आज का यही अपडेट है। और आज शिक्षक दिवस भी है, तो सभी शहरवासियों को, प्रदेशवासियों को शिक्षक दिवस की मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूँ। फिर से एक बार अपील करूँगा कि सावधानी बनाए रखें।